टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सब शो जो है कि बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं, पूरा एंगल तो कमर्शियल एंगल है कि भाई कमाई किसमें ज़्यादा हो, टीआरपी किसमें ज़्यादा हो, तो वही रीज़न है, वो तो होगा ही। वो हमारे और जसलीन के जो भी चर्चे थे उसमें हमने कोई घटियापन ऐसा नहीं किया कि लोग उस पर उंगली उठाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। अनूप जी, वेलकम टू टेली चस्का। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अनूप। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपका जो सीजन था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ही स्पेशली आपकी जो चर्चे थे वो घर या तो इस आपका जो सीजन था और जो इस बार का जो सीजन है, आपको क्या फर्क लग रहा है दोनों में? देखिए, वो जो सीजन था उसमें मैंने एक बहुत सुंदरता बना के रखी थी, मैंने एक डिग्निटी बना के रखी थी कि सब लोग मुझसे बहुत रिस्पेक्ट से मिलते थे। वो हमारे और जसलीन के जो भी चर्चे थे उसके बाद भी एक उसमें डिग्निटी थी, उसमें हमने कोई घटियापन ऐसा नहीं किया कि लोग उस पर उंगली उठाएं। तो जब भी कोई सीज़न होता है, ये फैमिली सीज़न है, पूरी फैमिली बैठ के देखती है, उसमें कहीं भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लोगों को मारना पीटना नहीं चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सीज़न में मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं। मैंने देखा नहीं, मैंने तो बिग बॉस कभी भी नहीं देखा है, ना पहले देखा था, ना अब देखता हूँ, ना अपना कोई एपिसोड देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो खेला हूँ सिर्फ अंदर जाके, तो मैं इस तरह खेला कि जैसे खेलना चाहिए, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है। ये वजह है कि पिछला सीजन आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। इस बार की अगर सीजन की बात करें तो इस बार बहुत ही ज़्यादा वायलेंस भी हो रहा है घर में, पर साथ में जिस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन आपके टाइम पे लिया जाता था वो एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या बोलना? देखिए, क्योंकि हमने इस बार का कोई एपिसोड नहीं देखा है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर एक्शन पहले से ढीला लिया जा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बाद ही वो सीज़न जो है और सुंदर हो सकता है, एपिसोड और सुंदर हो सकता है। तो मेरी ये सलाह है कि इसको और स्टिक करें। इस बार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको पहले ही बोल दिया था कि आपको घर में जाके कनेक्शंस बनाने होंगे, पर उस कनेक्शन के चक्कर में बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे, तो उसका उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कनेक्शन बनाने के चक्कर में हर्ट होते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती बनाने पड़ते हैं ना, कनेक्शन तो नेचुरल बनते हैं। जैसे हम और आप हैं, अगर कोई कहे कि आप दोनों को एक दूसरे से दोस्ती करनी है तो ऐसे कैसे हो सकती है दोस्ती? पहले एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे की आदतों को पसंद करें, एक दूसरे के व्यवहार को पसंद करें, उसके बाद ही तो दोस्ती होती है। लेकिन कोई अगर हमको ज़बरदस्ती ऊपर से थोपे कि दोस्ती करो तो नहीं हो सकती है। शायद यही वजह है कि उसमें ये कमी नज़र आ रही है। और इस बार का जो सीज़न है वो डेट बड़े पे बढ़ा जा रहा है, पहले वो जनवरी में ख़त्म होने वाला था, फिर फेब में होने वाला है, अब फेब की एंडिंग में अब मार्च तक वो लोग लेके जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि उनको ज़रूर कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कहीं से स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल रही होगी, क्योंकि तभी आगे बढ़ता है जब कुछ कमाई हो रही हो, तो स्पॉन्सर्स अच्छे मिले होंगे, कुछ उसमें कमाई पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही होगी, तो जब ऐसा होता है तो फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सकता है, शायद इसीलिए इसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। इस बार हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी कोई तवे से कोई मार खा रहा है, तो कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है, कोई चाय फेंक रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वायलेंस भी हो रहा है। हर बार सिर्फ वर्बल्स होता था, बट इस बार बहुत ज़्यादा ही फिजिकल हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या? वो जिन लोगों ने देखा है उनको बुरा लग रहा है, इसीलिए लोग मुझे कह रहे हैं, जैसे आप कह रही हैं, और भी लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि वायलेंस ज़रा ज़्यादा है। मैं तो देखता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ये वायलेंस कम होना चाहिए, क्योंकि फैमिली देख रही है तो इस तरह का वायलेंस देखना अच्छा भी नहीं है। अगर आपके टाइम पे ऐसा कुछ वायलेंस होता तो क्या आप घर में रुकते या फिर आप इमीडिएटली निकल जाते हैं? इस तरह का वायलेंस हमारे में हुआ ही नहीं, और अगर होता था तो हम उनको बैठ के समझाते थे कि वो नौबत ना आए, और सब हमारी बात मानते थे, समझते थे। शायद यही वजह है कि एक ना एक कोई ऐसा होना चाहिए सीज़न में, हर एपिसोड में, जिसकी बात लोग माने समझें, तो वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा सुना है।
यहाँ तक कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, ऐसी खबरें भी हैं कि इस बार का जो शो है वो पूरा ही ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं फिर भी जस्ट टीआरपी के लिए या किसी चीज़ के लिए उनको निकाला नहीं जा रहा है, फिर से निकाल निकाल के उनको वापस रखा जा रहा है घर में, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक शो है और ऐसे शो को खूबसूरत बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो लोग करते हैं। तो उसमें अगर किसी को वापस भेज रहे हैं, वापस ला रहे हैं, तो ये सब तो शो के लिए हो रहा है। पूरा एंगल तो कमर्शियल एंगल है कि भाई कमाई किस में ज़्यादा हो, टीआरपी किस में ज़्यादा हो, तो वही रीज़न है, वो तो होगा ही। तो इस बार आप हम ये कह सकते हैं कि टीआरपी के लिए वो लोग फिलहाल कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई भी इंसान कर रहा है। टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सब शो जो हैं ये सब बिजनेस के शोज हैं, और टीआरपी के लिए ही इसको, रियलिटी शोज को दिखाया जाता है, क्योंकि उसको किस तरह से और इंटरेस्टिंग बनाया जाए वो सब टीआरपी पे ही है। अगर आपको मौका मिलता है इस बार एज स्पेशल गेस्ट घर में जाने का, तो आप घर वालों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था बिग बॉस में जाकर, और मैं वहां जाकर यही सबको समझाऊंगा कि भाई कुछ लोगों को बाहर ऑब्जेक्शन हो रहा है, आप जिस तरह से लड़ाई कर रहे हो वो नहीं करो, शांति से बैठो, शांति से मिलो, और वो चीज़ आपको मदद करेगी। घर में ये जो कनेक्शन का दौर जो चल रहा था, इसमें हिमांशी बाहर आ गई, तो हिमांशी ने शायद उनकी जो साइड की जो फीलिंग थी वो रियल है, इसीलिए उन्होंने शायद अपना रिश्ता भी तोड़ दिया जो बाहर के थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो आसिम है घर के बाहर निकलने के बाद में उनको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो सिर्फ एक अगर झूठ निकला तो ये जो रहेगा ये किसके ऊपर जाएगा? देखिए, ये मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, तो इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप उसमें रियल रहें तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं जैसा बाहर हूँ वैसे मैं वहाँ था, लोग मुझे उसी तरह वहाँ चलता फिरता देख रहे थे, उसी तरह मुझे बात करते हुए देख रहे थे, अपना रियाज करते हुए देख रहे थे, अपना प्राणायाम करते हुए देख रहे थे, योगा करते देख रहे थे। तो जो मैं बाहर करता हूँ वही सब मैं वहाँ कर रहा था। मैं बाहर भी नहीं लड़ता हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं लड़ रहा था। तो वहाँ जानबूझ के अगर कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो सब नकली लगेगा, ऐसा मत करिए। जो जैसे आप हैं वैसे आप रहिए, आपको लोग पसंद करेंगे। बिग बॉस के बाद में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई घर के बाहर आने के बाद? बहुत फर्क पड़ गया है, क्योंकि आप इंटरव्यू लेने आ गई हैं, ये बिग बॉस से ही तो हुआ। तो इस तरह जो यंग जनरेशन है वो मुझे ज़्यादा पहचान गई है, मुझे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, पहचानते हैं, जो इसके पहले नहीं था। हमारी एक पहले मैच्योर ऑडियंस थी, 25 साल 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो हमारी गज़लें हमारे भजन सुनते हैं और हमको समझते हैं, लेकिन अब तो 10-12 साल के लोग भी आते हैं, मुझे जानते हैं, मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ। बिग बॉस के घर का ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको अभी भी याद है? मैं भूल नहीं सकता हूँ राजा रानी वाला खेल, जो शायद पहले या दूसरे एपिसोड में ही था, मुझे राजा बना दिया था, शायद जसलीन को रानी बनाया था, इस तरह कुछ था, और उसमें बड़ा मज़ा आता था। उसमें एक लड़की थी, मैं उसको कहता हूँ कि तुम क्या सेवा कर सकती हो, तो उसने कहा आप जो कहिए मैं आपके लिए सेवा कर सकती हूँ। तो मैंने उसको पूछा तुम स्विमिंग करती हो, तो उसने कहा मैं स्विमिंग कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैं राजा था तो उसने मेरी इच्छा पूरी की और स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करने गई। तो इस तरह की चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग हमने वहाँ की थी। एक से कहा कि तुम डांस कर सकती हो, उसने कहा कर सकते, तो उसने डांस करके दिखाया। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ, वो राजा जब हम बने थे तो उसमें ये सब हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था। और ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो? क्योंकि एक मॉर्निंग में गाने से लेके अंडे से लेके हर एक चीज़ की एक अलग ही फाइट होती थी, एक अलग ही मज़ा होता था। मैं वहाँ इसलिए मिस नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि मैं सबको मिलता रहता हूँ। अभी मुझे दीपक ठाकुर ने 3 तारीख को बिहार मुजफ्फरपुर अपने शहर में बुलाया है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। इसी तरह मैं जितने भी इसमें हैं, KV हैं, जब हैं, सब मुझे मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं, और उन सब के साथ बैठ के मैं कुछ समय व्यतीत करता हूँ, तो वो एक परिवार जैसा बन गया है और सबसे वैसे ही मित्रता है। हम आपकी जो गजलें हैं बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली जो बिग बॉस के घर में आपकी गजलें सुना करते हैं। हाँ, तो अगर आप 2 लाइन हमारे लिए गा दे तो। जरूर जरूर मैं आपको सुनाता हूँ। बिग बॉस में मैं ये भजन काफी गाता था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली
हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लेकिन जाते जाते मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इस बार का भले ही आपने नहीं देखा हो, पर आपको कुछ आइडिया होगा कि कौन है घर में और कौन आपका फेवरेट होगा एनिमल? असल में जब ये सीजन शुरू हुआ तो किसी ने मुझे बताया कि उसमें अबू मलिक है, तो क्योंकि मैं उस परिवार को जानता हूँ अनु मलिक को, हाँ, लेकिन मैंने उनका वो हिस्सा देखा, उनको देखने के लिए किसी ने मुझे कहा कि वो कुछ शेर व शायरी सुनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एपिसोड देखा, उसमें वो शेर व शायरी सुना रहे थे। और मनीषा पटेल जब आई थी, क्योंकि मैं मनीषा को उसके पेरेंट्स को जानता हूँ, अमीषा पटेल, तो अमीषा पटेल का भी थोड़ा सा मैंने वो एंट्री देखी थी क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, बाकी उसमें जितने लोग हैं मैं किसी को जानते नहीं। थैंक यू सो मच अनुप। थैंक्स टू यू।